कि से साबित होता है ब्रह्म, ब्रह्मा की औलाद हुए तो ब्राह्मण नंबर वार ब्राह्मण है। उनका संगठन भी है संसार में प्रसिद्ध है रुद्रमाला, उसमें लेफ्ट साइड के भी मणके हैं तो राइट साइड के भी मणके। इस दुनिया के बीज हैं, ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया की माला है, माला माने संगठन। तो उस माला के तुम आत्मा रूपी मणके हो है? जब तुम आकर के बाप के पास वो मणके बने आत्मा रूपी तो क्या हुआ, फूल बन गए। क्या पहले शूद्र थे, क्या थे शूद्र थे, फिर क्या बन गए ब्राह्मण बन गए। गीता में बोला है मैं आता हूं तो चातुर्वर्ण्यम मया सष्टम गुण कर्म स्वभाव से, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर तुम इस शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा पार्ट बजाते हो उस पार्ट के अनुसार वैसा ही काम के आधार पर तुम्हारी जाति का नाम वर्ण का नाम पड़ जाता है ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण विशेष वैश्य वर्ण या क्षुद्र कर्म करने वाला शूद्र। तो देखो बाबा द्वारा तुम क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। किंतु ये जो दुनिया है भले तुम ब्राह्मण बन गए, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो क्या है क्या है, कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में तुम रहते हो है, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स के बीच में रहते हो। एक दो को दुख ही देते रहते इस कांटों के जंगल में, मनुष्यों से लेकर के राक्षसों की इस दुनिया में कलयुग के अंत में एक भी प्राणी मात्र नहीं है जो काम विकार की काम इंद्रिय से दुख का फाउंडेशन में डालता हो। क्या बच्चे की पैदाइश अगर आरंभ में ही दुख होगा तो मध्य और अंत में भी दुख ही का जन्म मिलता है। तो बस एक ही तुम हो जो कांटों से फूल बनाने वाले हो। क्या तुम एक ही रुद्रगण हो, रुद्र नामधारी, जो इस कांटों के जंगल को क्या बनाते हो, कांटों से फूल बनाते हो, बनाते हो ना।